बिहार के वैशाली जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक दिन पहले यहां एक स्कूल संचालक की घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या कर दी और अब यहां एक होटल संचालक को भी बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया है। मृतक की पहचान 65 साल के बुजुर्ग बिंदेश्वर साह के रूप में हुई है। हत्या की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामला हाजीपुर के मेहरान थाना क्षेत्र के देशराजपुर गांव का है, जहां होटल मालिक बिंदेश्वर साह को 3-4 की संख्या में बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर बेरहमी से मार डाला। बताया जा रहा है कि मृतक बिंदेश्वर साह घर पर अकेले रहते थे और घर पर ही चाय नाश्ते की दुकान चलाते थे। उनके दोनों बेटे पटना में रहते हैं। सुबह जब आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि वो नजर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। खिड़की से देखा तो बिस्तर पर उनका शव खून से लथपथ पड़ा था। बिंदेश्वर साह है, उन्हीं का गर्दन पे चाकू से वार करके हत्या किया गया। ये घर में अपना चाय दुकान चलाते थे और कुछ सूट पे पैसा भी लगाते थे। हम लोगों ने घर की छानबीन की है, घर में अकेले ही रहते थे। दोनों पुत्र अभी आए हैं पटना से, वहाँ फुचका बेचने का काम करते हैं। पूछताछ के बाद आगे की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, अनुसंधान जारी है। आशंका क्या जताया जा रहा है? संभवतः ये पैसे के लेन देन के विवाद में हुआ है, चूँकि हम लोगों ने घर से कुछ एविडेंस भी प्राप्त किया है। हैरत की बात यह है कि घर के कमरों का ताला भी टूटा हुआ है, सामान भी गायब है, साथ ही पेटी बक्से भी टूटे हुए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि चोरी या लूटपाट के दौरान ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने हत्या के बाद रूम का ताला बंद कर दिया था। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच में जुटी हुई है।